जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज 11 जनवरी, चलिए आज का न्यूज़ पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4 सभी प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड। डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज को एंजॉय कीजिए। चलिए पहले इस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द हिंदू में आज तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ना ही कुछ एडिटोरियल है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके भी कुछ एडिटोरियल जो है वो इंक्लूड किए हैं, जिससे कि हम ये भी अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए यहाँ पर जो बात की जा रही है बेसिकली है चेंज फॉर दी वर्स। यहाँ पर मालदीव्स की बात हो रही है, इंडिया और मालदीव्स रिलेशन जो है उसकी बात हो रही है। अभी मैं 3D एनिमेशन में जो एक शॉर्ट वीडियो है वो भी लाने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है वो काफ़ी रैपिड डिटोरिएशन देखने को मिला है, जब से मोदी जी जो है वो लक्षद्वीप गए, वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो शेयर की, और जिसके बाद से जो मिनिस्टर्स है मालदीव्स के उनकी तरफ से डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स ट्वीट्स आने लगे, और इस वजह से जो मालदीव्स है उसको बॉयकॉट करने की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पर एंटी इंडिया ट्वीट्स हमें देखने को मिले हैं, जो मोदी जी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया पर भी रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं। जो डैमेज कंट्रोल मेजर्स है, देखिए मालदीवन गवर्नमेंट जो है उन्होंने मेजर्स लिए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर दिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया, जो स्टेटमेंट है उससे खुद को डिस्टेंस कर दिया। लेकिन जो सोशल बैकलैश है वो तो हो ही रहा है, मतलब काफ़ी सारे 25,000 लोगों के आसपास जो मतलब बेसिकली उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई वो नहीं जाएंगे, है ना। कई सारी फ़्लाइट जो है वो भी कैंसिल कर दी गई, कहीं ऐसे सोशल मीडिया जिन्होंने फ़्लाइट जो है वो दिखाना ही बंद कर दिया मालदीव्स के लिए। तो ऐसी भी चीज़ें हुई है। डीपर रीजंस अगर हम देखते हैं तो रीज़न जो है, देखिए ये तो ठीक है, ये ट्वीट्स ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मालदीवन गवर्नमेंट जो है उनका शिफ्ट भी हमें देखने को मिला है चाइना की तरफ। मतलब बेसिकली क्या है, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है इंडिया की तरफ वो यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिला है, चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है। भले ही कितना भी बोल दे कि ये जो मालदीवन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ट्वीट्स को स्पॉन्सर नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हीं की बातें देखने को मिल रही है ना मिनिस्टर्स के थ्रू। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मालदीवन गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी यहाँ पर कर ले, लेकिन जो वो ऐसा दोस्त है बेसिकली जो मुसीबत के तौर पर इंडिया को ध्यान में रखता है, लेकिन जब पार्टी करनी होती है तो चाइना जो है उसको साथ में ले लेता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर चेंज होती जा रही है। उन्होंने अभी हाल ही में इंडिया को बेस जो है वो भी खाली करने को बोला था। डिप्लोमेटिक चॉइसेस है अपनी अपनी, लेकिन यहाँ पर मालदीवन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कौन गरीब है, कौन यहाँ पर ज़्यादा अपना साथ दे सकता है, और इंडिया ने हमेशा से साथ दिया है हर जगह पर, है ना। डिप्लोमेटिक कॉशन की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, तो उसमें इंडिया का पकड़ा हमेशा ऊपर रहा है। मतलब इंडिया जो है वो हमेशा हेल्पिंग नेचर में रहा है रैदर देन रिसीविंग, ये हमें देखने को मिला है। अब अगर आप देखोगे तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, मेरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसमें भी अगर आप देखोगे मालदीव्स जो है वो यहाँ पर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो अगर वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हमेशा इंडिया जो है वो सतर्क रहा है, इंडिया ने हमेशा साथ दिया है मालदीवन गवर्नमेंट का, भले वो कूक के टाइम पर हो, भले वो किसी भी टाइम पर हो, लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प की है। डिफेंस अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है मालदीव सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर आप देखोगे तो एस्टिमेटेड सजेस्ट है ऑलमोस्ट 70% ऑफ मालदीव डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो इंडिया के द्वारा की जाती है। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया जो है वो मालदीव्स को ट्रेन कर रहा है, साथ दे रहा है। चाइना जो है उसने भी यहाँ पर काम किया है 15 ईयर्स में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो इंडिया जो कर रहा है उसके करीब भी नहीं है, क्योंकि इंडिया पास में है। अब वैक्सीन के टाइम पर आप देख लीजिए वहाँ पर कितना साथ दिया गया था। इवन आप एजुकेशन अगर आप देखोगे तो भी वहाँ पर इंडियन एजुकेशन जो है मालदीवन को प्रोवाइड किया जाता है, है ना। स्मॉलर पॉपुलेशन बेस है, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है। डेली नीड्स अगर आप देखोगे, इंडिया जो है मालदीव्स को एवरीडे एसेंशियल राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ सप्लाई करता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, मालदीव्स जो है वो डिपेंडेंट है इंडिया पर ऑलमोस्ट सभी आइटम्स के लिए। जो डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि हमने डिज़ास्टर जो देखा था कोरोना का, उस टाइम पर जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इतनी सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से जाती है। मतलब पूरी तरीके समझ लीजिए दत्तक लिया हुआ बच्चा है इंडिया का, लेकिन फिर भी बातें जो है वो करता है कि भाई नहीं ये ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर रिमिशन पॉलिसी,
अब रिमिशन की देखिए अभी बात की जा रही है, क्यों जो बिल्किस बानो केस है ना उस सिनारियों में है, तो बिल्किस बानो केस पर मैंने पूरा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है 3D एनिमेशन में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, लेकिन एक शॉर्ट में कल ही हमने यहाँ पर ही कवर किया था, है ना, पूरे तरीके से कवर किया था। तो इसमें सेक्शन 432 जो है ये भी यहाँ पर कवर किया था, एक यहाँ पर रिविजन के तौर पर मैं यहाँ पर लाया हूँ, जिससे कि PDF के थ्रू आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ से PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इशू कौन कौन से इन्वॉल्व है, जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो उनके इस पर जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो उन्होंने कैसे दे दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने देना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर बोला गया। प्रोविजन जो है CRPC का क्वाइट क्लियर है दैट अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग रिमिशन एप्लीकेशन शुड हैव बीन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वहाँ पर रहना चाहिए था। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट जो है लक्ष्मण नक्षर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पर कहा गया था 5 ग्राउंड जिसमें रिमिशन जो है वो दिया जा सकता है, अब वो भी 5 ग्राउंड हमने कल के वीडियो में देखा हुआ है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी, बस रिविजन के तौर पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको एक ध्यान में फिर से आ जाए, फिर से सारी चीज़ें रिकलेक्ट आप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्थ इंडिया जो है फॉग क्यों हो रहा है वहाँ पर, तो विंटर में ऑब्वियसली फॉग होता है, लेकिन फॉग बेसिकली क्या है, फॉग मतलब है स्मॉल ड्रॉपलेट जो है उसका कलेक्शन, है ना। जब जैसे क्या है, कोई पर्टिकुलर ये कोई पन्ना है, पेज है या फिर पत्ता है, उस पर कंडेंस होकर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बन जाते हैं, उसको हम फॉग कहते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हो सकता है डस्ट पर भी बैठे, तो वो हमें फॉग देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे, मतलब बेसिकली क्या है, प्रोसेस बाय विच इट कूल्स प्ले अ पिवोटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ फॉग, वन प्राइमरी मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉग इज कॉल्ड इन्फ्रेटेड कूलिंग, जिसको इन्फ्रेटेड कूलिंग कहा जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो है, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्रेटेड कूलिंग किससे कनेक्टेड है, तो फॉग से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कई बार आ जाते हैं। नदर इंडिया क्यों प्रोन है, क्योंकि वहाँ पर भाई साहब इंडो मैग्नेटिक प्लेन जो है काफ़ी प्रोन है फॉग फॉर्मेशन के लिए विंटर के दौरान, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर चला जाता है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही चीज़ है कि भाई फॉगिंग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई, फॉग क्या है ये सब, बाकी ज्योग्राफी जो कोर्स है हमारा MM अकेडमी ऐप पर उसमें मैंने ये डिटेल में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, जो टैबलेग होता है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये देखिए ये है, ये गुजरात का, तो ये बेसिकली कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो इसको सिलेक्ट देखिए अभी क्या हुआ है, 4 अपोजिशन रूल स्टेट जो है दिल्ली कर्नाटका पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, इन्होंने लॉकर हेड किया है ओवर द रिजेक्शन ऑफ देयर स्टेट टैबलेग प्रपोजल, कि भाई ये नहीं आ सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, वो प्रपोजल्स भेजते हैं रिपब्लिक डे टैबलेग के लिए। तो ये प्रपोजल जो इवेल्युएट किया जाता है कमेटी के द्वारा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, स्टेज प्रोवाइड किया जाता है। इसमें स्टेज वन में होता है कि असेसमेंट होगी इनिशियल प्रपोजल्स की, डिज़ाइन स्केचेस की, है ना, कि क्या है क्या नहीं है, मल्टीपल मीटिंग्स होगी। देन उसके बाद 3D मॉडल जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें 3D पहले इसकी सिर्फ डिज़ाइन भेजेंगे 2D में, फिर इसका 3D मॉडल जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, है ना। ओवरऑल फाइनल टैबलेट जो सिलेक्ट किया जाता है 5 to 6 राउंड्स ऑफ मीटिंग। तो बेसिक सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन डिपेंड होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, जिस पर विजुअल अपील हो, जो मासेस है उसको इंपैक्ट हो, जो टैबलॉग से बिहाइंड का आइडिया क्या है वो हो, डिग्री ऑफ डिटेल्स क्या इन्वॉल्व है उसमें, ये सारी चीज़ें हो, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। लास्टली यहाँ पर ये पार्टिसिपेट आइडिया टू गिव मेनी स्टेट्स द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द टैबलॉग एट पॉसिबल, तो ये यहाँ पर शोकेस करने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी यही था आज के न्यूज़पेपर में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।